आपको सुन के हैरानी तो बहुत होगी, पर ये बिल्कुल सच बात है कि आप 2 रुपए में अब 2 TB स्पेस ले सकते हैं, और वो भी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए। 4 रुपए खर्चेंगे तो 4 TB, 6 रुपए खर्चेंगे तो 6 TB, हर 2 रुपए में आपको 2-2 TB मिलता रहेगा। पर इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो फ्रेंड्स आपके अच्छे खासे पैसे लगेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और वहां पर लिखना है जेमिनी AI। आप जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, छोटा सा एक प्रोसेस होगा, उसको कंप्लीट करने के बाद आप जेमिनी के अंदर लॉगिन करेंगे। राइट साइड टॉप में आपको दिख रहा है ट्राई जेमिनी एडवांस्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 TB की स्टोरेज मिलेगी, 2 महीने तक ये बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद 1950 रुपये हर महीने लगेंगे, इसके ऊपर आपका टैक्स भी लगेगा, तो जिससे 2200 के आसपास आपके पैसे लगेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ना तो आपके पैसे लगेंगे और सिर्फ आपके 2 रुपए लगेंगे, और शायद वो भी आपको 10 दिन में वापस मिल जाए। अगर नहीं भी मिल रहे तो एटलीस्ट लाइफ टाइम आपके पास 2 TB स्पेस रहेगी। सिर्फ 2 TB स्पेस ही नहीं, गूगल वन के जितने भी बेनिफिट्स है, प्रीमियम बेनिफिट्स है, 2 महीने तक आपको वो फ्री मिलेंगे। ये सारी डिटेल्स अभी 1 by 1 बताऊंगा, पहले आप इस स्टेप को फॉलो करें। स्टार्ट ट्रायल के ऊपर आपने क्लिक करना है, और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। अब वापस यहां पे चलते हैं, आप देखेंगे गूगल वन AI प्रीमियम लिखा है, जिसमें आज से ही मेरा फ्री ट्रायल शुरू हो जाएगा 2 महीने के लिए, और उसके बाद मेरे चार्ज लगेंगे, पर ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक एरो का बटन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिडीम कोड भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप पे यू ऑन फोन, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप अपने मोबाइल फोन का भी यूज कर सकते हैं। मैंने फोन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया, जिसमें मुझे ये बोला गया कि मैं अपने एंड्रॉयड फोन की नोटिफिकेशन चेक करूँ, और आप देखेंगे मैं अपना एंड्रॉयड फोन ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पे बाय नाउ की मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है। डायरेक्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी आ रहा होगा, और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे भी सेम वही लिखा आ रहा है कि मेरी गूगल वन की AI प्रीमियम मेंबरशिप 2 महीने के लिए फ्री है, और उसके बाद $23.34 पर मंथ मेरे अकाउंट से कटेंगे, पर ये आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, बस आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। यहाँ पे आपको एरो का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। मैंने पहले UPI ID और अपने बैंक को ऐड करा था, बहुत पहले की बात है, पर उसको मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए मेरे पास ऐड क्रेडिट डेबिट कार्ड की ऑप्शन आ रही है और रिडीम कोड की ऑप्शन आ रही है। हो सकता है आपके केस में UPI की भी ऑप्शन आए, तो आप UPI को सिलेक्ट करने के बाद आप अपना पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या फिर क्रेडिट के थ्रू भी इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने कार्ड की सारी डिटेल्स ऐड कर दी है, और नीचे सेव कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा कार्ड ऐड हो चुका है डिटेल्स डालने के बाद, और सबसे नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। प्रोसेसिंग मेरे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, कुछ सेकंड्स लगेंगे, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मेरी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है, और मेरे से ये कह रहा है ऑथेंटिकेशन फॉर परचेज क्या मुझे रिक्वायर्ड है। मैं येस ऑलवेज के ऊपर क्लिक करूंगा, और ओके के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास सब्सक्राइब का मैसेज आ गया, और सबसे नीचे लिखा है गॉट इट, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आके अपने पेज को रिफ्रेश करा, और यहाँ पे ऊपर मेरे आइकन के आसपास एक सर्कल बना आ गया। एक बार मैं गूगल ड्राइव में जाके चेक करता हूँ क्या सच्ची में मुझे 2 TB की स्पेस मिली है, या अभी भी मेरा 15 GB दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे 2 TB की स्पेस मिल चुकी है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये शो कर रहा है 2 TB स्पेस, जिसमें से 5 GB डेटा मेरा ऑलरेडी गूगल ड्राइव में था। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको 2 महीने का यहाँ पे ट्रायल मिला है, तो उस फ्री ट्रायल के अंदर 2 TB का डेटा आप अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। प्लस जैसे ही आपकी ट्रायल डेट फिनिश होने वाली है, उससे पहले आप अपने अकाउंट को कैंसिल कर दे। अगर आप उसे कैंसिल नहीं करेंगे, जो भी आपने पेमेंट गेटवे इसके अंदर ऐड करा है, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI, तो ऑटोमेटिकली वहां से हर महीने 2100 या 2200 रुपए आपके कटते रहेंगे। अब उसको कैंसिल कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ, और कैंसिल करने के बाद आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा या नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आइकन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रही है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, वैसे आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा कि आपकी जो स्टोरेज है अब वो 2 TB की हो चुकी है। पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे, पेज को थोड़ा सा नीचे करोगे, और यहाँ पे आपको गूगल वन का मैनेज सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन दिखेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे 12 अगस्त को मेरे सबसे पहले पैसे कटेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा
ओपन करते ही मेरे पास ये पॉपअप मैसेज आ गया जहां पे मुझे बता रहा है कि 12 अगस्त के बाद से गूगल वन की जो मैंने सब्सक्रिप्शन ली है उसमें लगभग $24 मेरे कटने शुरू हो जाएंगे और सबसे नीचे लिखा हुआ है कैंसिल सब्सक्रिप्शन। इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने गूगल वन की सब्सक्रिप्शन को आप कैंसिल कर दे। अब बारी आती है कि सब्सक्रिप्शन जब आपकी कैंसिल हो जाएगी तो उसके बाद आपके डेटा का क्या होगा। फ्रेंड्स, आपका डेटा उसके अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा, आपका जिंदगी में कभी वो डिलीट नहीं होगा, पर उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आपको कुछ टाइम बाद अपने अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, बिल्कुल भी उसे डेड ना करें। डेड कर देंगे तो हो सकता है आपका अकाउंट ही बंद हो जाए और उसके अंदर आप 2 TB के बाद, मतलब जितना भी आपने डेटा ऐड कर दिया, सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दिया, उसके बाद आप उसके अंदर कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। जो ऑलरेडी अंदर डेटा है उसको आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उसके लिंक को शेयर कर सकते हैं और कोई जिंदगी भर वहां से डाउनलोड भी कर सकता है। अगर आपके पास 2 या 3 क्रेडिट कार्ड है तो फ्रेंड्स आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, 2-2 रुपए कटने और वो भी शायद वापस आ जाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास अगर 3 क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने फ्रेंड या कजन से भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके अपने गूगल वन अकाउंट के साथ उसे ऐड कर दे, 2 रुपए उनके कटेंगे, चाहे तो आप उन्हें कैश दे दें या पेटीएम कर दे, और आपको हर 2 रुपए में 2 TB की स्टोरेज मिलती रहेगी। और जिस डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर UPI ID से या किसी भी फोन पे गूगल पे से आपने गूगल वन की स्पेस को लिया, गूगल वन में स्पेस मतलब स्टोरेज सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के बाद उस पेमेंट ऑप्शन को भी आप जरूर कैंसिल करें। अगर आपने पेटीएम के अंदर ऑटोमेटिक पेमेंट सेट करी है तो वहां से उसे कैंसिल करें। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से जैसे मैंने करा है वहां से अपनी पेमेंट सेट करिए, तो एक बार कस्टमर केयर पे फोन करके, नहीं तो आपकी ऐप होगी उस क्रेडिट कार्ड की, उसके अंदर जाके आप वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं, तो जिससे आपके फ्यूचर में पैसे बिल्कुल नहीं कटने वाले। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा।